तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं फ्रेंड कि अगर आप अपने साइरोटेक मॉडम में या फिर कह सकते हो कि अपने साइरोटेक राउटर में अगर आप लॉगिन होने की कोशिश कर रहे हो फ्रेंड, तो वहां पे बैड पासवर्ड आपको शो हो रहा है या फिर इनवैलिड पासवर्ड शो हो रहा है या फिर कह सकते हो कोई टेक्निकल एरर वहां पे आपको दिखाई जा रही है और आपका जो होम गेटवे का इंटरफेस है वो लॉगिन होकर नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत सही तरीके से अपने राउटर में कैसे लॉगिन हो सकते हो बहुत आसान तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मेरे दोस्त, अगर आप अपने यहाँ पर राउटर में यहाँ पर लॉगिन होना चाहते हो और आप जब भी लॉगिन होने की कोशिश कर रहे हो अपने साइरोटेक मॉडम में, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है बैड पासवर्ड की। यानी कह सकते हो फ्रेंड कि आपको यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पर आपको बैड पासवर्ड बताया था। चलिए जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, आपको नहीं पता है कि आपको कैसे लॉगिन होना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो फ्रेंड। बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यूजुअली आपको करना क्या, यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना जो नेम है उसका, वो सिंपली यहाँ पे गेटवे जो है आपको यहाँ पे चले जाना। आप देख पा रहे हैं कि होम गेटवे जो आपका है 192.168.101.1, किसी किसी में पॉइंट लास्ट में 3 होता है, तो सिंपली आपको सेम इंटरफेस पे आ जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ तक आप यूजुअली पहुँच ही जाते होगे। तो फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप जैसे मान लीजिए कि मेरा ये यूज़र नेम ये है फ्रेंड। चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड फिलअप करता हूँ। यहाँ पे कैप्चा फिलअप करता हूँ, सर ये सर सब कैपिटल में है। चलिए हम इसको लॉगिन करते हैं। तो फ्रेंड, आप जैसे करते होगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी। क्या प्रॉब्लम आ रही होगी फ्रेंड, बैड पासवर्ड की, एरर बैड पासवर्ड। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी। चलिए हम इसका, तो यहाँ पे अधिकतर ये जो प्रॉब्लम आती है वो बैड पासवर्ड की आती है। तो अब बैड पासवर्ड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आपको क्या करना है, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं फ्रेंड, रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो कोड होता है, वेरीफिकेशन कोड होता है, वो चेंज हो जाता है। अगर आप सेम वेरीफिकेशन कोड पर यहाँ पर आप लगातार इस्तेमाल करते रहोगे, यूजर नेम और पासवर्ड सही भी इस्तेमाल करोगे फ्रेंड, तब भी वो क्या नहीं होगा, यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। इसलिए आपको रिफ्रेश कर लेना है और हमेशा आपको न्यू ट्राई करना है। अब देखिए, न्यू ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि आप लगातार ट्राई करते ही रहो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि फ्रेंड, आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन को छोड़ना है और यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, अपने राउटर पर जाना है। और राउटर में सबसे नीचे की ओर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, यूज़र नेम और पासवर्ड। आपके राउटर के नीचे, साइरोटेक राउटर के नीचे आगे पीछे बगल में फ्रेंड आपको चेक कर लेना, एक स्लिप लगी होगी, वहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया होगा। सिंपली आपको वो फिलअप कर देना है। अगर आप फिलअप कर चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से फिलअप किए हो फ्रेंड, रिफ्रेश कर करके फिलअप किए हो, आप वेरीफिकेशन कोड भी अलग अलग डाले हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर लॉगिन किए हो, अगर तब भी नहीं हो रहा, पहली बात तो उससे हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, लेकिन तब भी नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा जो राउटर है बहुत पुराना हो गया, मैं पुराना राउटर लगवाया हूँ, तो देखिए होता क्या यार कि जो मेन स्टेशन होता है आपका, वहाँ से जो आपके पासवर्ड और यूज़र नेम होते हैं वो रिसेट कर दिए जाते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए अब मैं आपको वर्सेटाइल यूज़र नेम और पासवर्ड बता रहा हूँ जो अधिकतर राउटर्स में काम कर रहा है इस समय प्रेजेंट में। तो आपको यहाँ पर क्या फिलअप करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आपको ये प्रोसेस तभी करना है तब जाके आपका जो साइरोटेक का जो राउटर है वो जो स्लिप में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया, अगर आप उसका इस्तेमाल कर चुके हो तभी जाके आपको ये वाला इस्तेमाल करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है फ्रेंड, एडमिन ISP लिख देना है और यहां पे आपको पासवर्ड में क्या रखना है मैं आपको बता देता हूं। एडमिन, देखिए सारा का सारा स्मॉल रहेगा, आपको यहां पे मैं पहले बता दे रहा हूं फ्रेंड, एडमिन @123 फ्रेंड, आपको एडमिन @123, तो यहाँ पे आपको ये पासवर्ड रख देना है और पासवर्ड रखने के बाद सिंपली आपको वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है फ्रेंड। तो अब यहाँ पे हम फ्रेंड वेरिफिकेशन कोड अपना क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। चलिए हम यहाँ फिलअप कर देते हैं, MELL2। सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर दोगे फ्रेंड, तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो होम गेटवे है वो साइरोटेक का है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फ्रेंड, साइरोटेक का है ये, पूरी तरीके से क्या हो चुका है, एक्सेस हो चुका है, होम गेटवे आ चुका है। यहाँ से आप बड़ी आसानी से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, बड़ी आसानी से आप अपने वाईफाई का नेम चेंज कर सकते हो और भी बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जो है साइरोटेक मॉडम में यहाँ पर लॉगिन हो पाए होगे बगैर किसी एरर के। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।